वेलकम बैक फ्रेंड्स। रिवर्स चार्ज के अंदर हम बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी देख चुके हैं और होपफुली आप उन सबको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, अच्छे से उनको समझ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। उसी सीरीज में आज हम गवर्नमेंट सर्विसेज पर किस तरह से जीएसटी लगेगा, या मैं ये बोलूँ रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म उस पर कब कब वर्क करेगा, उन सब की अब हम बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में। नोट्स में मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हमें डिस्कस करने होंगे इस क्लास में ये दो टॉपिक्स। रिवर्स चार्ज की जो लिस्ट है हमारे सामने उसमें से ये दो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से अब आप सुनना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहली तो बात मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ही हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है उस पर भी टैक्स लगता है रिवर्स चार्ज में, तो ये बस सुनते ही दिमाग में पहला सवाल तो ये उठता है कि यार गवर्नमेंट की दी हुई सर्विसेज पर भी कोई टैक्स लगना चाहिए क्या, उस पर जीएसटी क्यों लगता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो उसी का रीज़न क्लियर कर देता हूँ, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। उसका रीज़न एक्चुअली ये है, देखिए वैसे आपको ये बात क्लियर रहे कि गवर्नमेंट की दी हुई ढेर सारी सर्विसेज, पब्लिक के लिए न जाने कितनी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, ढेर सारी जो सर्विसेज गवर्नमेंट देती है वो एग्जेम्प्ट ही होती है। ये आप पहले तो जनरल बात सुन लीजिए और समझ लीजिए कि आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट की दी हुई सर्विसेज तो एग्जेम्प्ट ही होनी चाहिए, और ऐसा है भी कि ढेर सारी सर्विसेज, अ नंबर ऑफ सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, और बात सही भी है, एग्जेम्प्ट होनी भी चाहिए, उस पर किस बात का टैक्स। लेकिन कुछ एक सर्विसेज पर जीएसटी लगता है, कुछ एक पर, थोड़ी बहुत, बहुत लिमिटेड एक लिस्ट है हमारे सामने, उन पर जीएसटी लगता है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई उन पर भी क्यों लगता है, कोई रीजन है क्या इसका। बिल्कुल इसका रीजन है, और रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने चला करके खुद की कुछ एक सर्विसेज पर, सर्टेन सर्विसेज पर जीएसटी लगाया है, कुछ एक सर्विसेज पर जीएसटी लगाया है। क्यों लगाया है? ताकि गवर्नमेंट की वो जो सर्विसेज है उनकी जो प्राइस डिसाइड होगी फाइनली, यानी वो सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो प्राइवेट सेक्टर की दी हुई सर्विसेज के साथ कॉम्पिटिशन में रहे। शायद आप समझे नहीं मेरा मतलब, मैं वापस आपको बहुत इजी भाषा में बताता हूँ। देखिए, सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए गवर्नमेंट एक स्पीड पोस्ट की सर्विसेज देती है अपने पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू। आपको सबसे कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको पता भी होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से हमको एक स्पीड पोस्ट की सर्विस मिलती है। आपने भी कई बार अपने डॉक्यूमेंट्स का स्पीड पोस्ट करवाया होगा। अब मान लीजिए स्पीड पोस्ट की वो सर्विस जो है उसमें जीएसटी नहीं लगता, तो क्या होता वो हम सोचते हैं। उस पर मान लीजिए जीएसटी नहीं लगता तो पता है क्या होता, प्राइवेट सेक्टर वाले जो है ना, आपको मालूम है कि ये जो भी ये स्पीड पोस्ट एक तरह से कोरियर सर्विस ही तो हो गई ना एक तरह से, तो लेकिन अगर उस पर जीएसटी नहीं लगता, जो प्राइवेट कोरियर एजेंसीज है ना वो गवर्नमेंट से कंप्लेंट करती, गवर्नमेंट को कहती ये बात कि यार ये तो आपने बहुत पार्शियलिटी कर दी। कैसे पार्शियलिटी कर दी? कि देखो यही सर्विस आप लोग दे रहे हो, यानी आपका पोस्टल डिपार्टमेंट दे रहा है, और यही वाली सर्विस हम भी दे रहे हैं, लेकिन हमारी दी हुई सर्विस इसलिए महंगी पड़ रही है पब्लिक के लिए क्योंकि आप लोग हमसे तो जीएसटी लेते हो, तो हमारी सर्विस तो महंगी पड़ेगी ना पब्लिक को, और इसलिए पब्लिक हमसे लेती ही नहीं है ये सर्विस। सोचिए, पब्लिक लेना पसंद करेगी क्या कोरियर एजेंसी से सर्विस? क्यों नहीं लेना पसंद करेगी? क्योंकि कोरियर एजेंसीज की दी हुई ये सर्विसेज महंगी मिलेगी उन्हें। क्यों महंगी मिलेगी? क्योंकि उनसे तो सरकार जीएसटी लेती है, तो वो लोग तो जीएसटी जोड़ करके पैसा लेंगे, और सरकार जो खुद की स्पीड पोस्ट की सर्विस देती है उस पर कोई जीएसटी ही नहीं है, तो वो तो नेचुरली सस्ती ही पड़ेगी ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने चला करके स्पीड पोस्ट पर भी जीएसटी लगाया है। अब आप समझ गए ना क्यों लगाया चला करके? ताकि एक फेयर कंपटीशन बना रहे, नहीं तो बेचारे प्राइवेट सेक्टर वाले तो पहले दिन से डिस्करेज हो जाएंगे, वो बोलेंगे छोड़ो यार अपने तो बस की बात नहीं है बिजनेस करना, अपन कहाँ टिकेंगे कंपटीशन में, अपना तो हमेशा ये सर्विस महंगी ही पड़नी है, तो पब्लिक अपने पास तो आएगी नहीं। इसलिए जस्ट फॉर अ फेयर कॉम्पिटिशन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट, केवल इस बात के लिए गवर्नमेंट ने खुद ही पर जीएसटी लगा दिया। नहीं तो वैसे कोई लॉजिक ही नहीं बनता था, गवर्नमेंट खुद ही जीएसटी लगा रही है, खुद ही जीएसटी खुद ही को देगी। लेकिन मैंने आपको अब उसका रीजन बता दिया है, जस्ट टू मेंटेन अ फेयर कंपटीशन विद प्राइवेट सेक्टर। समझ गए? तो अब मैं आपको जो जो भी सर्विसेज बताने वाला हूँ जिन पर
जीएसटी लगेगा, उन सब के पीछे यही कारण है, यही कारण है। जीएसटी क्यों लगा रही है गवर्नमेंट खुद की सर्विसेज पर, उसका यही कारण है प्राइवेट सेक्टर के साथ एक फेयर कॉम्पिटिशन बनाए रखने के लिए, नॉट टू जस्ट टू एनकरेज, कीप देम एनकरेजिंग, जस्ट टू कीप प्राइवेट सेक्टर एनकरेजिंग। समझ गए आप रीजन? अभी पहले तो मैंने आपको रीजन बता दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप मेरे साथ में चार्ट बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये बात कि मैं आपको न सिर्फ रिवर्स चार्ज की बातें बताऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, बल्कि मैं साथ में एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जो निकाला हुआ है गवर्नमेंट का, वो भी साथ के साथ में कवर करवाने वाला हूँ। यानी गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड मैं आपको रिवर्स चार्ज की बातें भी बताऊंगा। रिवर्स चार्ज तो हम जानते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में कवर होता है, और उसके साथ में हम एग्जेम्पशन का जो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है उसको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो बहुत ध्यान से आप चार्ट को बनाएंगे मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम गवर्नमेंट सर्विसेज में किस किस को कह रहे हैं, ध्यान से आप सुनेंगे। जब मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट सर्विसेज, तो एक्चुअली हम केवल यहां पे गवर्नमेंट की दी हुई सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम किस किस की बात कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। हम बात कर रहे हैं वो सर्विसेज की विच आर गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, CG, SG, UT एंड LA, इन चार लोगों की हम बात करने वाले हैं इस पूरी क्लास में। इस पूरी क्लास में वी विल टॉक अबाउट दीज फोर persons, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अलग अलग कैटेगरी की सर्विसेज बना रहे हैं। देखिए मैं यहां पर कुछ एक सर्विसेज के नाम लिख रहा हूं। सबसे पहली सर्विस मैं लिख रहा हूं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की दी हुई कुछ सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की दी हुई कुछ सर्विसेज के मैं नाम लिख रहा हूं। मैंने आपको उसमें से एक सर्विस तो बताई दी थी, कौन सी थी? स्पीड पोस्ट। और जरा पढ़ लीजिए, एक होती है उनकी ही दी हुई एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। ऐसे ही हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, वो इंश्योरेंस सर्विस भी देता है, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस। देखिए ये सारे जो नाम मैं आपको बता रहा हूं ये लिखे हुए हैं, अगर आप गौर से देखेंगे। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कौन कौन सी? स्पीड पोस्ट वाली सर्विस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस वाली, और फिर एक एजेंसी वाली भी है, लिख देता हूं मैं वो भी, एजेंसी सर्विस। एज एन एजेंट भी वो कई काम करता है जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है। केवल ये चार सर्विस के नाम ही क्यों लिखे मैंने? आप बोलेंगे सर हमें तो कुछ और भी चीजें याद आ रही है, हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो तो और भी कई तरह की सुविधाएं देता है। जैसे हमने सुना है स्पीड पोस्ट की तरह ही एक और भी सर्विस होती है, जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट होती है, ऐसे और भी कई सर्विसेज होती है। मैं आपको देखिए यही बताना चाह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट ये चार ही सर्विसेज देता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि पोस्टल डिपार्टमेंट की ये जो चार सर्विसेज हैं ये टैक्सेबल होती है। क्या बोला मैंने? पोस्टल डिपार्टमेंट की दी हुई ये जो चार सर्विसेज हैं ये मैंने अलग से क्यों लिखी है? क्योंकि ये टैक्सेबल की कैटेगरी में आती है। बाकी पोस्टल डिपार्टमेंट तो बहुत सारी सर्विसेज देता है, बहुत सारी सर्विसेज देता है, यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिसेज के अंदर तो लोगों के अकाउंट भी खुल जाते हैं, जैसे बैंक्स में हम सेविंग अकाउंट वगैरह खोलते हैं वैसे यहाँ भी खुलते हैं, कई सर्विसेज देता है। लेकिन याद रखिए पोस्टल डिपार्टमेंट की दी हुई बाकी के सर्विसेज पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होती है। केवल ये चार ही मैंने लिखी है जो कि टैक्सेबल होती है। हम अभी यहाँ पे टैक्सेबल वालों का लिस्ट लिख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट सर्विस की तरफ लेकर चलता हूं। नेक्स्ट सर्विस का हम नाम लिखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी लिखते हैं हम। इस बार हम बात कर रहे हैं सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट्स और वेसल्स। वेसल्स या एयरक्राफ्ट्स क्या होते हैं आपको पता होगा? एयरक्राफ्ट्स यानी कि हवाई जहाज, वेसल्स यानी जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो समुद्रों में चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इनके रिलेशन में अगर सरकार कोई सर्विसेज देती है, कहां देती है? इन और आउटसाइड, इन और आउटसाइड द प्रिसिंक्ट्स ऑफ,
प्रिसिंक्ट्स का मतलब होता है उसका नियर बाय एरिया, आसपास का एरिया, उसको प्रिसिंक्ट्स कहते हैं। इन और आउटसाइड किसके अंदर या किसके बाहर? द पोर्ट और एयरपोर्ट। आपको पता है ना कि एयरपोर्ट में चलते हैं एयरक्राफ्ट्स, यानी एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट्स का काम चालू होता है, एयरक्राफ्ट चलने चालू होते हैं, और पोर्ट से चलते हैं शिप्स या वेसल्स। जैसे एयरपोर्ट होते हैं एयरक्राफ्ट्स के लिए, वैसे पोर्ट्स होते हैं वेसल्स या शिप्स के लिए। अब यहां पर सरकार की तरफ से जो सर्विसेज दी जा रही है वो कौन सी है? इट इज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट्स और वेसल्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? किसके रिलेशन में है? एयरक्राफ्ट या वेसल्स के रिलेशन में है ये सर्विस। आप बोलेंगे सर ऐसी कौन सी सर्विस हो सकती है? आप खुद सोचिए, आप जब एयरपोर्ट या पोर्ट में जाते हैं तो वहां पर केवल आपको, जैसे मैं एयरपोर्ट की अगर बात करूं तो वहां पर केवल आपको उड़ाने की सर्विस नहीं दी जाती, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास और भी ढेर सारी सर्विसेज हो रही होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल में मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर सर्विस जो हो सकती है वो है एयरक्राफ्ट्स या वेसल्स की रिपेयरिंग का खर्चा, उनका जो मेंटेनेंस की जो सर्विसेज होती है, कितनी बड़ी बड़ी सर्विसेज होती होगी ये। इसके अलावा आप एयरपोर्ट पोर्ट में जाएंगे तो वहां पर सिक्योरिटी की जबरदस्त सर्विसेज, सिक्योरिटी का स्टाफ वहां पर रिक्रूटेड होता है बहुत बड़े लेवल पर, ढेर सारी सर्विसेज होती है, कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी छोटी बड़ी आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएगी, अलग अलग तरह की सर्विसेज का मिक्सचर मिलेगा आपको किसी भी एयरपोर्ट या पोर्ट में। तो यहां पर उसी उन्हीं सर्विसेज की बात हो रही है कि अगर इस तरह की कोई भी सर्विस, इस तरह की कोई भी सर्विस सरकार यानी CGSGUTLA ये लोग देते हैं इन रिलेशन टू पोर्ट या एयरपोर्ट। अच्छा, ये सर्विस कहां दी जा रही है? चाहे पोर्ट एयरपोर्ट के अंदर, चाहे उसके बाहर आसपास के एरिया में, कहीं भी ये सर्विस दी जा रही है। तो ये जो मैंने आपको सर्विस बताई है, इट इज ऑल्सो वॉट? इट इज ऑल्सो टैक्सेबल। ये भी टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, थर्ड नाम सुनिए जरा, थर्ड नाम सुन लीजिए। थर्ड है कौन सी वाली सर्विस? पैसेंजर या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। यानी इस बार गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी सर्विस दी जा रही है? गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की या पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन की? अब आपको पता ही है ये भी बहुत बड़े लेवल पर सर्विसेज होती है। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर भी इस सर्विस में बहुत बड़े लेवल पर एंगेज्ड होता है, प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो देता ही है ना, ढेर सारी आपको प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के भी ढेर सारी प्राइवेट कंपनीज आपको मिल जाएगी। वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की सर्विसेज दी जाती है, गवर्नमेंट के रोडवेज की बसेज वगैरह चलती है, इसी तरह से गुड्स कैरेजेस भी गवर्नमेंट के चलते हैं। ठीक है, तो ये वाली सर्विस अगर गवर्नमेंट देती है तो वो भी टैक्सेबल कर दी गई है। कारण मैंने आपको एक साथ ही बता दिया है, ये सभी टैक्सेबल क्यों किए गए हैं? क्योंकि यही टाइप की सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर वाले भी देते हैं उनके साथ एक प्रॉपर कंपटीशन बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं यहां पर फोर्थ कैटेगरी जो ले रहा हूं, थोड़ा नीचे की तरफ लेता हूं मैं इसको। फोर्थ सर्विस जो यहां पर मैं लिख रहा हूं उसका नाम है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी सर्विस है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, शॉर्ट में मैंने IM लिख दिया है इमूवेबल को। देखिए, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि GST में जब इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दी जाती है, जमीन या मकान आप किसी को किराए पे देते हैं, तो उसको भी एक सर्विस देना ही माना जाता है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्विस। तो यहां भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने खुद की जमीनें या खुद के जो प्रिमाइसेस होती है वो किसी को किराए पर दी है, तो एक तरह से गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है। अच्छा, इसकी टैक्सेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब इसकी टैक्सेबिलिटी हमको थोड़ा डिटेल में देखनी पड़ेगी। इसकी टैक्सेबिलिटी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो सर्विस है ये किसको दी गई है, टू हूम इज इट गिवन, वेदर इट इज गिवन टू अ बिजनेस एंटिटी और अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, ये आपको चेक करना पड़ेगा। किसको दी गई है ये सर्विस, गवर्नमेंट ने ये सर्विस किसको दी है, बिजनेस को दी है या बिजनेस के अलावा किसी को दी है? अब देखिए, यहां पर जब मैं बिजनेस कहता हूं
तो यहां मैं दोनों तरह के बिजनेस की बात करता हूं, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो चाहे वो छोटा बिजनेस हो। अब आप बोलेंगे सर बड़ा छोटा मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब वही है जो मैंने आपको लीगल सर्विस वाले टॉपिक में बताया था। लीगल सर्विस वाला टॉपिक आपने हो सकता है कर लिया, हो सकता है अब करें। तो लीगल सर्विस वाले टॉपिक में मैंने बड़े बिजनेस का जो मीनिंग बताया था सेम यहां पर है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सुनिए। बड़ा बिजनेस उसको कहा जा रहा है जिसका पिछले साल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, जिसका पिछले फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट मतलब टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का प्रॉपर मीनिंग आपको आगे समझ में आएगा। तो जिस बिजनेस के पिछले फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा है एक लिमिट से, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, वो लिमिट क्या है? रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट बताई गई है जीएसटी में, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो लिमिट बताई गई है, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की नॉर्मली 20 लाख की लिमिट होती है, कोई कोई केस में 40 लाख की भी होती है, कोई कोई केस में फिर 10 लाख की भी होती है। हमें यह देखना होगा कि ये जो बिजनेस है ये कौन सी लिमिट में आता है। मान लीजिए बिजनेस 20 लाख वाली लिमिट में आता है, तो अब हमें इसको बड़ा तभी मानना है जब इसका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा था, ठीक है? बाकी सालों से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी अभी इस साल में कितना टर्नओवर है उससे पहले कितना रहा होगा मतलब नहीं है, केवल हमें पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर से ही मतलब है, ठीक है? तो अगर इस लिमिट से ज्यादा था इसका टर्नओवर तो हम इसको अभी इस साल क्या मान लेंगे? बड़ा बिजनेस, और नहीं तो फिर हम इसको मान लेंगे छोटा बिजनेस। अब मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं यहां पर कि बड़े या छोटे बिजनेस से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। तो आप बोलेंगे सर फिर आपने बताया ही क्यों? क्योंकि वो आपको आगे काम में आएगा अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बोलूंगा, बड़ा हो या छोटा हो, सभी तरह के बिजनेस एंटिटीज के लिए ये सर्विस टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल होगी। सुना आपने, ये सर्विस टैक्सेबल होगी। लेकिन लेकिन टैक्सेबल तो होगी, लेकिन अंतर इस बात का पड़ेगा। अब आपको यहां पर देखना यह पड़ेगा, भले ये बिजनेस बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है, आपको देखना यह है कि वेदर दिस बिजनेस इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, दिस यू विल हैव टू कंफर्म। तो बताइए आपको क्या कंफर्म करना पड़ रहा है, कि बिजनेस चाहे बड़ा हो या छोटा हो लेकिन वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये आपको देखना है। आप बोलेंगे सर क्यों देखे? अरे इसलिए देखे क्योंकि अगर ये रजिस्टर्ड है तो फिर इसके लिए ये सर्विस टैक्सेबल होगी अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में ये टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, और ये बिजनेस अगर अनरजिस्टर्ड हुआ तो भी टैक्सेबल तो होगा लेकिन अंडर फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। तो अब आप मुझे बताइए, सीजीएसडी यूटीएलए इनमें से किसी ने भी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस दी? किसको दी? एक बिजनेस को दी, और वो बिजनेस है रजिस्टर्ड। तो आप मुझे बताएंगे कि यहां पर टैक्स किसको देना होगा, कौन देगा? जवाब है बिजनेस ही भरेगा टैक्स, क्योंकि रिवर्स चार्ज है यहां पर। लेकिन अगर यही सर्विस अनरजिस्टर्ड बिजनेस को दी गई तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और इसलिए सीजीएसडी यूटीएलए खुद जीएसटी भरेंगे, ये लोग खुद जीएसटी भरेंगे, बिजनेस नहीं भरेगा, मतलब गवर्नमेंट खुद ही गवर्नमेंट को जीएसटी देगी, ऐसा ही होगा। अब हम सेकंड केस पर आते हैं जहां पर अदर देन बिजनेस को यह सर्विस दी जाती है, कोई छोटे मोटे पर्सन को, मतलब अदर देन बिजनेस यानी पब्लिक को दी जा रही है, आम लोगों को दी जा रही है। तो अगर उनको रेंटिंग वाली सर्विस दी जाती है, याद रखिए वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी, वो पूरी तरह से क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। तो हमने क्या देखा, अगर बिजनेस को दी गई है सर्विस तो वो हमेशा टैक्सेबल है। चेक ये करना है रिवर्स चार्ज है या फॉरवर्ड चार्ज है, और अगर अदर देन बिजनेस है तो इट इज एग्जेम्प्ट। क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखिए, चार तरह की सर्विस अब तक मैंने आपको बताई है, और आपने देखा होगा इनमें अब तक टैक्सेबल ही टैक्सेबल था, केवल लास्ट मैंने आपको वो कैटेगरी बता दी जहां एग्जेम्पशन है। वो कौन सी है? लास्ट वाली, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस गिवन टू अदर देन बिजनेस, वो एग्जेम्प्ट है। बाकी अब तक सारा मैंने आपको बताया वो टैक्सेबल है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो हमें स्टार्टिंग में ऐसा बोला था
कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो जनरली एग्जेम्प्ट होती है। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, ये केवल जो मैंने आपको ये चार केस बताए हैं बस यही टैक्सेबल है, बाकी ज्यादातर केस तो एग्जेम्प्ट ही है। अब इनके अलावा जो बचते हैं, मैं उसकी लास्ट कैटेगरी बना रहा हूँ एक, इन चारों के अलावा जो बचते हैं, थोड़ा नीचे लेकर चल रहा हूँ मैं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नीचे चलते हैं, नीचे नीचे नीचे, चलिए यहाँ तक ले आता हूँ मैं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनके अलावा जो अदर सर्विसेज रह गई है विच आर गिवन बाय गवर्नमेंट, उसकी अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके अलावा खूब सारी सर्विसेज बचती है, कमी थोड़ी ना है, खूब सर्विसेज है। तो इनके अलावा कोई सर्विस अगर दी जाती है तो टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी, अगेन बिजनेस एंटिटी को अगर ये दी जाती है तो बिजनेस को तो बोला जाएगा भैया तुम तो नहीं बचोगे, लेकिन अगर अदर देन बिजनेस को दिया जाता है तो उनको बोलेंगे ठीक है यार तुमसे क्या लेंगे हम जीएसटी, तुम्हारे केस में कोई जीएसटी नहीं है। चलिए सुनिए, अदर कोई सर्विस अगर दी जाती है बिजनेस को तो क्या होगा, यहां हमें यह ध्यान रखना है कि केवल जो बड़े बिजनेस होंगे ना उनके लिए ही ये टैक्सेबल होगा, छोटों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ये खुशी की बात है, बिजनेसेस में से भी जो बड़े वाले हैं केवल उनके लिए ही टैक्सेबल है, छोटे वालों को छोड़ दिया, कहा भाई तुम तो बच्चे हो, इनके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया इसको। बड़े छोटे का मतलब मैंने आपको इसीलिए बताया था अभी थोड़ी देर पहले, याद रखिए जो बड़ा बिजनेस होगा यहां पर उसको ही टैक्सेबल किया जा रहा है, बाकी सबको छोड़ दिया, और जो बिजनेस के अलावा रह गए उनको तो उनको कहां से पकड़ेंगे, वो तो बेचारे छोटे लोग हैं बहुत। तो याद रखिए कि अदर सर्विसेज में बहुत लंबी लिस्ट आ सकती है, अदर सर्विसेज अगर केवल बड़े बिजनेस को दी जाएगी तभी टैक्सेबल होगी, बाकी सभी केसेस में वो एग्जेम्प्ट होगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जनरली गवर्नमेंट की सर्विसेज एग्जेम्प्ट ही होती है, क्योंकि आप देख लीजिए लिमिटेड मैंने आपको नाम बताए हैं जो टैक्सेबल की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब यहां पर बस एक बात और रह जाती है जो मुझे आपको बतानी है इस लिस्ट से रिलेटेड, इस चार्ट से रिलेटेड, वो ये है कि यहाँ ये जो बड़े बिजनेस पर टैक्स लगेगा वो हमेशा याद रखिए रिवर्स चार्ज में ही लगेगा, रिवर्स चार्ज में, ठीक है। तो आपने देखा होगा ओवरऑल हमने यहाँ पर लिस्ट जो बनाई है, जरा ध्यान से देखते हैं उसे, बहुत ध्यान से, शुरुआत से हमने स्टार्टिंग में तीन सर्विसेज के नाम पढ़े, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट वेसल और ट्रांसपोर्टेशन, तीनों टैक्सेबल थी। आप ये जानना चाहेंगे सर ये रिवर्स चार्ज में आएंगे ये तीनों या फॉरवर्ड चार्ज में, सुन लीजिए ये तीनों ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होंगे, फॉरवर्ड चार्ज में, रिवर्स चार्ज में नहीं है इनमें से एक भी रिवर्स चार्ज में नहीं है, ये सारे फॉरवर्ड चार्ज में है, सारे फॉरवर्ड चार्ज में है। पहले मेरी बात बहुत ध्यान से आप सुनिए, शुरू की तीनों फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल में हम जानते केवल बिजनेस वाले केस में ही टैक्स लगता है, लेकिन उसमें भी एक केस रिवर्स चार्ज का था, बाकी तो फॉरवर्ड का ही था। तो बताइए रिवर्स चार्ज का ये केस क्या कह रहा था, कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस बिजनेस को दी जाती है और वो रजिस्टर्ड बिजनेस है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। अब मैं आपको नोट्स में यही बात दिखा देता हूं, देखिए जरा नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, सर्विस सप्लाइड बाय सीजीएसजी यूटीएलए, कौन सी वाली, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल वाली सर्विस, लेकिन किसको दी गई है, अरे रजिस्टर्ड बिजनेसेस को, पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, रजिस्टर्ड वालों को अगर ये दी गई है तो ठीक है, किसको दी गई है, रजिस्टर्ड वालों को, ध्यान रखिए। और यहां पे पर्सन रजिस्टर्ड का मतलब ये रजिस्टर्ड बिजनेस की बात हो रही है, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बिजनेस ही तो करवाएगा ना, तो यानी कि याद रखिए जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस है उनके केस में ही ये रिवर्स चार्ज में आएगा, और जो अनरजिस्टर्ड वाला है उस केस में कहां जाएगा ये, उस केस में कहां जाएगा ये, उस केस में ये जाएगा फॉरवर्ड चार्ज में, ठीक है, क्लियर हो गया, अनरजिस्टर्ड वाले में फॉरवर्ड चार्ज जाएगा। अच्छा अब लास्ट कैटेगरी रह गई थी हमारी अदर सर्विसेज वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एंटिटी में से अगर बड़ों को दिया जाता है तो वो रिवर्स चार्ज में आएगा, बड़ों को अगर दिया जाता है तो वो रिवर्स चार्ज में आएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये बात लिखी हुई है साफ, जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट था उसमें यही तो लिखा था, फर्स्ट वाले में यही तो बात लिखी थी, क्या
सर्विस प्रोवाइडेड, सर्विस सप्लाइड बाय सीजीएसडी यूटीएलए टू अ बिजनेस एंटिटी, वो रिवर्स चार्ज में आएगा। लेकिन मैंने आपको अलग से ये और बता दिया कि यहाँ पे केवल बड़े बिजनेस की बात हो रही है, छोटा वाला तो एग्जेम्प्ट ही है, उसे तो टैक्स देना ही नहीं है, रिवर्स चार्ज तो छोड़िए देना ही नहीं है, उस केस में तो लगेगा ही नहीं किसी पर भी टैक्स, न फॉरवर्ड चार्ज में न रिवर्स चार्ज में, केवल बड़े की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में हम जानते हैं कि भाई इन चार सर्विसेज को हटा दिया गया है। क्यों हटाया बताइए, क्यों हटाया इन चारों को, सुनिए क्यों हटाया, क्योंकि जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल वाली है ना उसकी बात तो हमें नीचे बता दी, इसलिए यहां से हटा दिया। और बाकी ये जो तीनों हैं इनके लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होते हैं ना कि रिवर्स चार्ज में, इसलिए रिवर्स चार्ज वाली लिस्ट में से इनको हटा दिया। समझे आप, क्लियर हो गया? तो रिवर्स चार्ज में एक्सेप्शन में चारों को क्यों लिखा गया है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया, जो इमूवेबल वाला है उसको तो नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और जो तीन रह गए हैं उनमें रिवर्स चार्ज के बजाय फॉरवर्ड चार्ज लगता है इसलिए। तो मैं आपको ये बोलूँगा आप यहाँ से चाहे मत पढ़िए, आपने अगर ये चार्ट बना लिया ना तो ये भी आपके लिए काफ़ी होगा, आप तो बस इसको पढ़ जाइए, इसमें सब बातें कवर हो गई, सब बातें आ गई इस चार्ट में, ठीक है? तो एग्जेम्प्टेड वाले केस आपको नोट्स में नहीं दिखेंगे जो मैंने चार्ट में बनवाए हैं, क्योंकि वो मैंने आपको बताया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की बातें हैं, तो वो मैंने नोट्स में यहाँ पर नहीं दे रखी, ये आपको एग्जेम्पशन वाला जब चैप्टर हम पढ़ेंगे वहाँ लिखी हुई मिलेगी, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब मैं आपको कुछ छोटे मोटे बचे खुचे केसेस और बता देता हूँ। हमारा ये चार्ट तो पूरा हो गया, लेकिन अब सी जी एस जी यू टी एल ए से रिलेटेड एक दो बातें मुझे आपको और बतानी है, सुन लीजिए ध्यान से, सुनिए। सी जी एस जी यू टी एल ए ये लोग अगर कोई भी सर्विस इनको ही दे रहे हैं, यानी खुद ही खुद को दे रहे हैं, खुद ही खुद का मतलब आप समझ जाइए, जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सर्विस स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी को देती है, लोकल मतलब यही कैटेगरी वाले लोग, इसी कैटेगरी वाले लोगों को अगर सर्विस देते हैं कोई सी भी सर्विस, तो याद रखिए वो एग्जेम्प्ट है। क्या है वो? एग्जेम्प्ट है। लेकिन लेकिन वेट, लेकिन लेकिन याद रखिए जो हमने शुरू में तीन पढ़ी है ना, तीन सर्विसेज, वो तो ऑलवेज टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज में, उनको कोई नहीं छोड़ सकता। क्या बोला मैंने? ये जो शुरू में तीन पढ़ी है ना हमने, अरे ये तो ऑलवेज टैक्सेबल है, ये तो ऑलवेज टैक्सेबल है, यानी कि चाहे ये खुद खुद को दे रहे हैं ना तो भी टैक्सेबल है। समझ में आ रहा है आपको? ये मैं आपको इसलिए गौर करवा रहा हूँ क्योंकि आप सोचेंगे कि सर खुद ही खुद को दे रहे हैं तब तो सारी सर्विस ही एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, नहीं। फिर भी वो जो तीन सर्विसेज थी, कौन कौन सी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वो जो मैंने कुछ एक सर्विस लिखी थी वो, फिर एयरक्राफ्ट वेसल वाली और ट्रांसपोर्टेशन वाली, वो तो हमेशा टैक्सेबल होगी, हमेशा, ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं उनका। अच्छा और सुनिए जरा, उनके अलावा है ना, मैंने आपको बता दिया है वो तो ऑलवेज टैक्सेबल है, कौन कौन सी लिख लीजिए, दोज थ्री, मैं शॉर्ट मतलब मैं हिंट लिख रहा हूं, दोज थ्री विल स्टिल बी टैक्सेबल, वो तो अभी भी टैक्सेबल रहेंगी, उनको कोई नहीं छोड़ सकता, वो भी फॉरवर्ड चार्ज में ही रहेंगी वो टैक्सेबल। चलिए ऐसे ही मैं आपको और एक दो बातें बता देता हूं। एक और बात ये बताई गई है कि सी जी एस जी यू टी एल ए अगर कोई भी सर्विस, अब मैं बाद में यही बोलूंगा उन तीन को छोड़ के, कोई भी सर्विस किसी को भी दे रहे हैं, कोई भी सर्विस किसी को भी दे रहे हैं, लेकिन अगर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो सर्विस का बनता है वो अप टू 5,000 रुपये ही है, कितने रुपए तक का कंसिडरेशन है, केवल 5,000 रुपये तक का, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन फिर से मैं बोल दूं वही बात, क्या याद रखिए वो जो तीन सर्विसेज थी ना वो तो ऑलवेज टैक्सेबल रहेंगी, चाहे उनके लिए कंसिडरेशन 5,000 तक का ही है, जैसे सोचिए स्पीड पोस्ट है, अब उसमें तो 5,000 के अंदर अंदर ही रहती है नॉर्मली बात, तो क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, वो तो हमेशा ही टैक्सेबल रहेंगे। दोज थ्री लिख देता हूं मैं फिर से, दोज थ्री विल स्टिल बी टैक्सेबल, उनको तो कोई छोड़ ही नहीं, बचा ही नहीं सकता।
मतलब ये मैं आपको कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस बता रहा हूँ, सीजीएसडी यूटीएलए ने खुद ही ने खुद को दिया तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो तीन केस एग्जेम्प्ट नहीं है। ऐसे ही सीजीएसडी यूटीएलए ने किसी को भी दियो भले ही, अगर कंसिडरेशन 5,000 तक का है तो भी फुली एग्जेम्प्ट, बट यहां भी वो तीनों एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज सुन लीजिए, एक बात ये कही जा रही है, ये मैं आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ सब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। अगर एक गवर्नमेंट एंटिटी ने, गवर्नमेंट एंटिटी में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे जो स्टैचुटरी कॉरपोरेशंस होते हैं, यानी जो किसी एक्ट में बनी हुई है, सेपरेट एक्ट में जो जो भी बने हुए होते हैं वो भी गवर्नमेंट एंटिटीज में आ जाते हैं। उसके अलावा जिन जिन कंपनीज में गवर्नमेंट के 90% से ज़्यादा शेयर है वो भी गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट एंटिटीज की एक डेफिनेशन होती है। तो मैंने बताया गवर्नमेंट एंटिटी में कौन कौन है, वापस रिपीट करता हूँ, वो जो स्पेशल एक्ट से बने हैं, एक तो उनको गवर्नमेंट एंटिटीज माना जाता है, और दूसरा जिन भी कंपनीज में 90% से ज़्यादा शेयर्स सरकार के हैं। सुनिए ध्यान से, गवर्नमेंट एंटिटी अगर कोई भी सर्विस देती है किसको, सीजीएसजी यूटीएलए। देखिए इस बार रिवर्स काम हो रहा है, इस बार सीजीएसजी यूटीएलए सर्विस नहीं दे रहे बल्कि इनको सर्विस मिल रही है, इस बार ये लोग रिसीविंग एंड पे खड़े हैं। तो याद रखिए ये भी, ये वाला जो सर्विस है कोई भी सर्विस हो ये भले ही, लेकिन किसको मिल रही है, ये सीजीएसजी यूटीएलए को। आप खुद सोचिए सरकार को कोई सर्विस देगा तो उस पर कोई जीएसटी लगना चाहिए क्या, नहीं, इसलिए इसे कर दिया गया है एग्जेम्प्ट। इसको क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब यहां मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा एक्सेप्ट वो तीन केसेस, अरे वो तीन केस तो तब थे जब सीजीएसजी यूटीएलए वो सर्विस देती थी, यहां तो सीजीएसजी यूटीएलए रिसीविंग एंड पे खड़े, तो यहां मैं वो बात नहीं बोलने वाला। और अब मैं आपको लास्ट में एक बात और बता रहा हूं कि इन सब बातों के अलावा भी कुछ हमें लिस्ट बताई गई है, कुछ टाइप की सर्विसेज बताई गई है जो कि अगर सीजीएसजी यूटीएलए देंगे तो वो एग्जेम्प्ट होगी। यानी कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के नाम बताए गए हैं और वो सर्विसेज ऐसी टाइप की है, जैसे मान लीजिए ये हम जानते हैं जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या लोकल अथॉरिटी वगैरह होते हैं, इनका काम होता है बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाना, इस तरह के काम करना, इस तरह की सर्विसेज की कुछ लिस्ट दी गई है वो भी एग्जेम्प्ट है। तो एक और भी लिस्ट है, अ स्पेसिफिक लिस्ट इज ऑल्सो देयर, उसमें छोटी मोटी सर्विसेज है, ज्यादा नहीं है, स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ सर्विसेज, वो भी अगर सीजीएसजी यूटीएलए देते हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अब आप बोलेंगे सर वो कौन कौन से हैं, आप अभी बता दीजिए। नहीं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको जब एग्जेम्प्शन का चैप्टर हम करेंगे तभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको सारी बातें बता दी है सीजीएसजी यूटीएलए से रिलेटेड, हर तरह की बात यहां पे हमने इस क्लास में कवर कर ली है। ओके, तो इस क्लास में हम यही यही पर स्टॉप करते हैं इसको। थैंक यू।